अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का वीडियो हॉल टाइप वीडियो है और मैंने क्या क्या अमेज़न से परचेज़ किया ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने साथ शेयर करूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे परचेज़ की हैं और इसकी सारी क्वालिटीज़ मैं आपको बता चलूँगी कि मुझे क्या क्वालिटीज़ अच्छी लगी है। सो फर्स्टली मेरा प्रोडक्ट आया है ये फुली पैक, जो बेबी के लिए यूज़फुल होता है फुल पैक, ये मैंने वो लिया है और इसके दोनों साइड ज़िपर हैं। सो ये चीज़, और इसका ज़िपर बहुत ज़्यादा स्मूथली है, बहुत हार्ड नहीं है और हम अपने बेबी को बिल्कुल अच्छे से अंदर से कवर कर सकते हैं। और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और फैब्रिक ये शिनील टाइप, जो वेलवेट टाइप होते हैं, ये वो फैब्रिक है। और ये हमारा इसका बैक साइड है, सो हम अपने बेबी को अच्छे से इसमें कैरी कर सकते हैं। देन सेकेंड प्रोडक्ट मेरे पास आया था, ये मैंने समर सीज़न के लिए बाय किया है और ये 6 मंथ के बेबी के लिए है कि जब तक मेरा नेफ्यू 6 मंथ तक हो जाएगा समर सीज़न में, ये उसको उस टाइम काम आ जाएगा, क्योंकि ये क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे ऑफ़र में भी मिल रहा था तो मैंने इसलिए इसे बाय कर लिया। और बहुत अच्छा फैब्रिक है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई थी, तो मुझे ये क्वालिटीज़ और फैब्रिक पर बहुत अच्छा लगा और प्राइस वाइज भी। देन हमारा थर्ड प्रोडक्ट है ये बेबी शूज़, और ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं और छोटे बच्चों की चीज़ें होती ही हैं प्यारी। और ये बिल्कुल जो न्यू बेबी बोर्न होता है उनका साइज़ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये बिल्कुल जो बेबी न्यू बेबी बोर्न है उन्हीं के साइज़ के अकॉर्डिंग है ये शूज़। और फैब्रिक इनका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि उनके जो पैर होते हैं नाजुक से उनमें कोई भी रैशेज टाइप के ना हों, बहुत ज़्यादा फैब्रिक अच्छा है इसका अंदर से भी और बाहर से भी इसका लुक वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको अगर साइज़ नहीं मिलता तो मैं आपको बोलूँगी अमेज़ोन पे आप ज़रूर ट्राई करें, आपको और से साइज़ ज़रूर मिल जाएगा। देन हमारा फोर्थ प्रोडक्ट ये हमारा जो ब्लैंकेट होते हैं उस टाइप का है, लेकिन इसका फैब्रिक जो हमारा टॉवल वाला फैब्रिक होता है वो है बाहर से, अंदर से हमारा वुलन फैब्रिक है इसमें। तो इस तरह से हम इसमें भी रैप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा न्यू लुक था क्योंकि नॉर्मल जो हमारे ब्लैंकेट होते हैं वो तो हमें हमारे पास होती हैं, बट ये न्यू लुक था थोड़ा पांडा टाइप का, सो मैंने इसलिए इसे बाय किया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे, और इसकी क्वालिटीज़ बेस्ट थी और जो इसका क्लोथ था वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और बहुत ज़्यादा दिखने में, और जब मैंने अपने नेफ्यू को इसमें डाला था बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और कुछ न्यू था लुक। बाद में ये मैंने अपनी नीज़ के लिए मंगाया था और ये कुछ इस टाइप की आई है। इसका जो वुलन है, वुलन की जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है और इसके साथ अंदर इसका हमें जो समर में जो हम टी शर्ट वेयर करते हैं उस टाइप का टी शर्ट थी। देन इसके साथ एक नेकलेस टाइप का बोल सकते हैं आप इसे, ये प्रोवाइड किया गया था। और इसका जो वुलन मैं बता रही हूँ जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ मुझे एक पैंट प्रोवाइड की गई है और मेरी नीज़ है अभी 2 ईयर की, तो मैंने ये 3 ईयर के बच्चों तक का मंगाया है, क्योंकि जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक्चुअल में हमें नहीं पता चलता, कभी छोटा कभी टाइट हो सकता है, तो मैं तो एक्स्ट्रा ही लेती हूँ, मैं एक्स्ट्रा ईयर के ही लेती हूँ। देन सेकंड प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये प्रोडक्ट भी मैंने अपनी नीज़ के लिए मंगाया है, आप देख सकते हैं इसका जो स्वेटर है वो जो फर वाला फैब्रिक होता है सेम वही फर वाला फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ये आजकल ये वाले फैब्रिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडी में है। सो इसका लुक थोड़ा रैबिट के ईयर टाइप का था और मैंने इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मैं बता रही हूँ इसकी क्वालिटीज़ और इसका जो सॉफ्ट है, जो सॉफ्टनेस बहुत अच्छी है। और इसका पैंट जो है मैंने ये अलग से ली है, बिकॉज ये सिर्फ स्वेटर ही प्रोवाइड थे उनके पास, तो मैंने पैंट अलग से इसके साथ अटैच की है। सो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट एक मॉस्किटो नेट टाइप का और जो स्लीपिंग बैग होता है उस टाइप का है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए ओपन करते हैं इससे कि मुझे ये किस तरीके से प्रोवाइड हुआ है।
और इसके तो मुझे डबल चीज़ें प्रोवाइड हुई थी, इसलिए मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी थी अफोर्डेबल प्राइस में। उसके अंदर मुझे एक नेट प्रोवाइड हुआ और ये स्लीपिंग बैग, और बहुत ज़्यादा स्पंज ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मेरी ये नीज़ की जो हरकत है, एक्चुअली उसने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए जो स्लीपिंग नेट है इसके ऊपर इसने चाय गिरा दी है। जैसे ही मैंने ओपन किया वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, सो उसने ये चीज़ की है। और मुझे इसके साथ एक पिलो जो बेबी का होता है नॉर्मल सा पिलो, वो भी प्रोवाइड हुआ है। और इसका ज़िपर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जिप ओपन करने में या बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों साइड इसके ज़िपर प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पे हमारा स्लीपिंग बैग है, ये स्लीपिंग बैग में भी हमारी 3 ज़िपर प्रोवाइड की गई है, फर्स्ट एंड ये सेकेंड है एंड लास्ट वन ये थर्ड है। में हम अपने बेबी को अच्छे से कवर कर सकते हैं, हमें कहीं ले जाना हो तो वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, और हमें उठाना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो स्मॉल बेबी होते हैं बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो ये चीज़। और इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा स्पंजी है। और फर्स्ट थिंग ये है कि इससे हम वॉशेबल है, ये हम ईज़िली वॉश कर सकते हैं। अगर ये इसमें कुछ टॉयलेट बेबी कर देते हैं तो हम ईज़िली इसमें वॉश कर सकते हैं। और मुझे इसके साथ ये स्लीपिंग बैग और ये नेट प्रोवाइड हुआ है, और इसके साथ एक पिलो। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे प्रोवाइड हुआ, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।